बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप हम लोग ऑब्जर्वेशन में यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज अ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, अनदर इज अ रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। जो गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप जो यूज किया था दैट वाज अ रिफ्रैक्टर, और उसको दोनों को कैसे पहचाना, तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में आगे जो है लेंसेज लगे होंगे, जैसे चश्मे में लेंसेज होने, सीधा ट्यूब आता है, पता है ना आपने देखा होगा, आगे लेंस है और पीछे एक लेंस लगा के क्लियरली देखते हैं, तो दैट काइंड ऑफ टेलीस्कोप नोन एज ए रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, और उसमें लेंसेज है जैसे बायनाकुलर जो होता है वो रिफ्रैक्ट काइंड ऑफ रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, और दूसरा जो होता है वो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप होता है। जो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप कौन सा है कि जिसमें मिरर होगा, और मिरर क्या करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, दैट्स व्हाई वो रिफ्लेक्टर या न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूटन ने उसका डिज़ाइन रखा था। तो इसमें क्या, हमको यहाँ पे पैराबोलिक या कॉनकेव मिरर होता है पीछे, जिसका आज हमने कॉलिमेशन वगैरह जो पूरा मिरर सेल सेटअप किया, कॉलिमेशन वगैरह किया, तो ये रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है। इसके पीछे यहाँ पे मिरर है, इसका अगर स्पेसिफिकेशन देखिए तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हर एक टेलीस्कोप का लिखा जाता है, तो 130 mm ये जो प्राइमरी जो हमने मिरर देखा वो है पीछे का, और इसका फोकल लेंथ दैट इज़ 900 mm। फोकल लेंथ मतलब क्या कि यहाँ से जो लाइट ट्रैवल कर रहा है, जो यहाँ पे आके जहाँ पे हमको फाइन इमेज दिखने वाला है सेकेंडरी मिरर पे, तो वो जो फाइन इमेज हमको जहाँ पे दिखेगा उसको हम लोग डिस्टेंस उसका जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको मेजर करेंगे तो वो उसका फोकल लेंथ होगा। जस्ट लाइक हम मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ खेलते थे ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, और वो जो कुछ भी कॉटन या कपड़ा जो कचरा है आप जलाते हैं, तो हम लोग सन के जो रेज है उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो जहाँ पे फाइन कॉन्सेंट्रेट होंगे वहाँ पे ज़्यादा वो उसका फोकल लेंथ हो जाएगा, मतलब वो डिस्टेंस जो कुछ भी रहेगा जहाँ पे फाइन दिखेगा सन। तो फोकल लेंथ क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो इमेज हमको फाइन इमेज दिखने वाली है वो फोकल लेंथ हो गया। ओके, सो कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा। ओके, तो इसका जो फोकल रेशो निकालना है हमको इस टेलीस्कोप का, तो फोकल रेशो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फोकल इसका फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ दिस मिरर। तो फोकल लेंथ हमको पता है 900 mm, उसको डिवाइड करेंगे 130 से, तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली सेवन कर लो ना, इस पर भी सर कर दो, तो इसका फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 900 mm इसका फोकल लेंथ है और 130 mm इसका डायमीटर है, तो सर फोकल रेशो विल बी 7.5 या 8 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से, 6.92 7 है, तो 7 इज गुड फॉर डीप स्काई एज वेल एज प्लैनेटरी हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर किसी टेलीस्कोप का फोकल रेशो 5 हो 4 हो वो तो डेडिकेटेडली वो डीप्स का ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने क्लस्टर्स देखा, नेबुलास देखा, उसके लिए होता है, तो ये टेलीस्कोप हम लोग प्लैनेटरी के भी यूज़ कर सकते हैं और डीप स्काई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमको दो आईपीसेस मिले हैं, तो इसमें जो 25 mm का आईपीस जो मिला है उसका उपयोग करके हम लोग वाइड फील्ड देख सकते हैं। तो वाइड फील्ड में क्या आएगा, वाइड फील्ड में एक तो क्लस्टर्स देखने हैं, नेबुलास देखनी है, या मून या सन देखना है, तो हम लोग इस बेसिकली टेलीस्कोप के साथ दो ही आईपीसेस आते हैं, तो ये आईपीस ये 25 का उपयोग करके हम लोग ओपन वाइड फील्ड जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स है वो देख सकते हैं, और वाइड देखना है तो आपको अलग से एक आईपीसेस वगैरह बाई करनी पड़ेगी, तो 40 mm वगैरह आईपीसेस हम मैं रेकमेंड करता हूँ, लेकिन अभी आपके लिए ज़रूरत नहीं है तो कुछ ये नहीं ले सकते। उसके बाद ये जो टेलीस्कोप है इसकी ये जो है ट्राईपॉड है, इसके ऊपर ये इक्यू माउंट पे ये माउंट है, दिस इज जर्मन इक्वेटोरियल माउंट, इसको हम लोग काउंटरवेट बोलते हैं, ये शाफ्ट है, ये काउंटरवेट शाफ्ट क्यों लगा है क्योंकि हमको ये जो टेलीस्कोप है इसको बैलेंस करना है, सपोज कर लो ये नहीं लगाएंगे तो टेलीस्कोप ये ट्यूब गिर जाएगा बैलेंस, तो बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम लोग इसको ऊपर नीचे करके पूरा टेलीस्कोप का बैलेंसिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक अभी मैंने इसको लिया है, तो ये अभी ये यहाँ पर जा रहा है। ओके, तो पहले इसको हम लोग यहाँ पर ये टाइट कर देते हैं, हम लोग ये भी ये नॉर्मल बैलेंसिंग करते हैं, तो हमारा टेलीस्कोप अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस है। ओके, इसको साइड वेज भी बैलेंसिंग करना पड़ता है, अभी इसको अभी ये आगे गिर रहा है ना, मतलब यहाँ का वेट ज़्यादा है तो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर लेंगे इसको, तो ऐसे हम लोग यहाँ से लूज करके इसको कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग वाला चीज़ आ गया। नॉर्मली जो ये डिस्टेंस है बीच का आप मार्किंग करके रख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, तो अभी ही अपना बैलेंस हो गया टेलीस्कोप साइड वेज में, क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल माउंट है उसके अंदर गियर्स होते हैं, अगर आपका टेलीस्कोप ढंग से
बैलेंस नहीं है तो ये गियर्स का गियर के ऊपर प्रेशर आके वो खराब हो सकते हैं। तो काउंटर वेट है, शाफ्ट है, इक्यू माउंट है, माउंट करना इतना हेडेक नहीं है। ये भी लगाना है यहाँ पे, इसका एक और एक स्क्रू है, तो इसका डिटेल मैं आपको चीज़ और शेयर कर दूंगा कैसे क्या सेटअप करना है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे आईपीस लगा दी। यहाँ पे फोकसर हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, तो फोकसर काफ़ी स्मूथ है और इसका उपयोग करके हम लोग आपका जो कुछ भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, जैसे भी आपकी आंखों का कैपेसिटी है तो वो फोकस करके इमेज हमको क्लियर मिलने वाला है। इसके साथ दूसरा आईपीस आता है 10mm। तो 10mm जो आईपीस आएगा, जितना भी छोटा नंबर होगा, हम लोग डेडिकेटेडली यूज़ करेंगे फॉर प्लैनेट्स ओनली, या मून का सिंगल कोई क्रेटर देखना है या प्लैनेट को जूम करना है, तो वैसे तो 10mm के नीचे भी आईपीसेस आते हैं, लाइक 6mm आता है, लेकिन उनका उपयोग मैं बहुत कम ही करता हूँ, क्योंकि वो इमेज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना जितना जूम करेंगे वैसे इमेज वो फटने लगता है, जस्ट लाइक पिक्सेलेट होता है ना, तो ब्लरी दिखता है। तो मैं 10mm या 9mm मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है, दिस इज फाइंडर स्कोप। ओके, फाइंडर स्कोप का उपयोग करके हमको ऑब्जेक्ट्स, कार में जो भी कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रैक करने में ईजी पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा टेलीस्कोप है, हमने ऑलरेडी जूम किया है, क्योंकि इसका जूम अगर मैं 25mm के आईपीस के साथ अगर जूम निकालना है, ये अगर 25mm का आईपीस लगाया और मैंने ये टेलीस्कोप में से कितना जूम करना है उसके लिए कैलकुलेशन है कि फोकल रेशियो 900 फोकल रेशियो डिवाइडेड बाई 25 करेंगे। सर कैलकुलेशन करा, 36 अप्रॉक्सीमेटली 36-40x जूम प्रोवाइड करने वाला है अपने को 25mm का आईपीस। तो 1900 को फोकल लेंथ यहाँ पे है, इसको हम लोग ये आईपीस से डिवाइड करेंगे तो इसका हमको जूम मिलने वाला है। इसको अगर सपोज कर लो 900 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे 10mm का आईपीस से, तो हमको कितना जूम मिलेगा? 90x जूम मिलेगा। ओके, तो जूम जितना जूम होगा उतना आपको फील्ड ऑफ व्यू कम दिखते जाएगा। ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा लेकिन फील्ड ऑफ व्यू छोटा होगा, लेकिन जूम कम करेंगे तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ते जाएगा। ओके, क्योंकि जूम कम है और ऑब्जेक्ट ज्यादा देर हमको दिखेगा। 10mm का लगाएंगे ना तो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे एक्सप्लेन करना था कि ये जो फाइंडर स्कोप का उपयोग करके ऑब्जेक्ट हमको ट्रैक करना है, कैसे करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ से स्टार्स नहीं दिखते, सपोज कर लो मुंबई से, तो हम एक कोई स्ट्रीट लाइट ले लेंगे, रैंडम कोई घर गांव में घर है उसका लाइट जल रहा है, सपोज कर लो आपको स्काई में नहीं जम रहा है, तो हम लोग ये जो है माउंट को फ्री कर देंगे। ओके, ये माउंट को फ्री कर दिया, तो ये दो स्क्रू हैं यहाँ पे, ये आरे और डेक बोलते हैं इसको, तो आरे और डेक का ये स्क्रू हल्का सा लूज करेंगे, इसको फ्री कर दिया और आई पीस में से देखेंगे कि सामने जो घर है या फिर 200-200 मीटर पे कोई लाइट है, तो मैं आई पीस में लेके आऊँगा उसको, मैंने फोकस कर लिया और सेंटर में आना चाहिए इसको, और फिर इसके बाद मैं इसको दोनों को लॉक कर दूंगा। ये लॉक हो गया तो मेरा लाइट मुझे इसमें दिख रहा है, सेम लाइट मुझे ये फाइंडर स्कोप में लाना है, तो ये फाइंडर स्कोप के ऊपर 3 स्क्रूज है यहाँ पर, 1, 2, 3, तो उसको मैं यहाँ से देखूंगा, ये 3 स्क्रू को एडजस्ट में करूँगा लूज टाइट करके, तीनों के साथ खेलूंगा, और जो लाइट मुझे यहाँ पे दिख रही है वही लाइट मैं इसके अंदर क्रॉस वायर है प्लस में, तो उसके पर्टिकुलर लोकेशन पे आऊंगा, तो इसके बाद मेरा टेलीस्कोप इसके साथ हो गया सिंक। ओके, टेलीस्कोप सिंक हो गया फाइंडर स्कोप के साथ। तो सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे है लेकिन मुझे वहाँ का ऑब्जेक्ट देखना है, तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता ना पूरा, क्योंकि ये काफ़ी जूम है, ऑलरेडी 40x जूम है, लेकिन ये वाइडर फील्ड दिखाता है, तो मैं इसको लूज कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँगा और मुझे वो ऑब्जेक्ट अभी दिख रहा है क्रॉस वायर के आसपास, तो मैं यहाँ पे उसको टाइट कर दिया और अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट आजू बाजू चला जाएगा। तो हम लोग ये जो स्लो मोशन केबल है इनका उपयोग करके यहाँ पे देखेंगे और ऑब्जेक्ट को क्रॉस वायर के आसपास लाएंगे। ओके, स्लो मोशन केबल का यूज़ करें, देन फाइनल इमेज हमको जो इसमें दिखने वाला है ये यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हमारा टेलीस्कोप हो गया यहाँ पे सिंक। सो काफ़ी इजी है, इक्यू माउंट यूज़ करना भी इजी है, इससे और इजी पड़ता है AZ माउंट, बट ये ट्रैकिंग के लिए बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि इसमें स्लो मोशन केबल आती है इक्यू माउंट में, थोड़ा सा हेवी पड़ जाता है, मुझे पता है कैरी करना, क्योंकि मेरे पास है उसका वेट अराउंड 20 kg है तो इसका वेट अराउंड 15 kg के आसपास है ये टेलीस्कोप का माउंट वगैरह, थोड़ा सा काउंटर वेट हेवी है, ट्यूब भी अच्छा है। सो एवरेज मैं बोलूँगा टेलीस्कोप है आपका डीप स्काई और प्लैनेट के लिए बहुत अच्छा। सो किसी को कुछ क्वेश्चन?
थैंक यू थैंक यू थैंक यू।